उत्तर कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसके B-1B सुपरसोनिक और F-35 विमानों ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया के आसमान में उड़ान भरी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो जापान के ऊपर से होकर गुजरी थी। इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया के सैन्य अभियानों से निपटने में वार्ता जवाब नहीं है। ट्रंप ने ट्वीट किया, अमेरिका 25 साल से उत्तर कोरिया से बातचीत कर रहा है, उन्हें जबरन वसूली के पैसे देता रहा है। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने हालांकि कहा कि अब भी कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालने की गुंजाइश है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के 4 पत्रकारों को एक किताब की समीक्षा में उत्तर कोरिया का अपमान करने के लिए मौत की सजा सुनाई है। देश की सेंट्रल कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने उत्तर कोरिया की गरिमा का अपमान करने का गंभीर अपराध किया है। उत्तर कोरिया पहले भी इस तरह के आदेश देता रहा है। टीम इंडिलिंक्स।